क्लास सेवेंथ जो हमारा चैप्टर टू है इसका लास्ट लेट्स ट्राई मैं सिक्स है वो करा रहा हूँ। देखिए इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे नंबर वन पहला क्वेश्चन था डिवाइड द फॉलोइंग, डिवाइड द फॉलोइंग 2.92 को डिवाइड करना है 10 से। जब भी 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर यहाँ पर 10 है तो आप 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे खिसका दीजिए एक डिजिट, अगर 100 से हो रहा है तो आप 2 के बाद डिजिट 2.2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, और अगर 1000 से हो रहा है तो आप 3 डिजिट के बाद, यानी यहाँ पर कैसे हुआ 2.92 तो 0.292, क्योंकि एक पॉइंट इस तरफ को मैंने लेफ्ट साइड को इसको रिप्लेस कर दिया, थोड़ा सा यहाँ से हटा दिया, और इसको 100 है 100 से डिवाइड कर रहे हैं इसको तो 2 पॉइंट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा, और 1000 से कर रहे हैं तो 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप 3 डिजिट के बाद यहाँ लगा देंगे। तो ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बाई 10, 100 और 1000। नाउ कम टू डिवाइड द फॉलोइंग सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन 5.26 इज डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसमें एक प्रॉपर डिवीजन आपको करना पड़ेगा, आप दो तरह से कर सकते हो कि 2 से या तो इसको डिवाइड करो और इसके साथ साथ पॉइंट रख दो यहाँ पर, या यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 इस तरफ बढ़ जाएंगे, तो 200 से 526 को डिवाइड करो। मैंने इसको ऐसे किया है कि पॉइंट यहीं लगा रहने दिया, 2 से जब इसे डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा। अब मैं डाउन कर लूँगा 2 यहाँ से, लेकिन डेसिमल वहीं लग जाएगा, डेसिमल के बाद का नंबर आने लगा तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाने के बाद 2 को डाउन करेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर डाउन किया 6 को तो ये 6 रहेगा, 2 3 जा 6, तो आंसर फाइनली आ गया 2.63, वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 16.16 डिवाइड बाई 8, तो 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर वही 8 2 जा 16 हो गया, फिर पॉइंट था पॉइंट वहीं लगा दिया, डाउन किया 1 को तो 1 आ गया, 1 में जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा 1 के बाद, और फिर हम 2 को 6 को डाउन करेंगे तो 8 2 जा 16, ठीक है, तो ये 2.02 है तो इसको केयरफुली करना है, 2.02 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवाइड द फॉलोइंग, अब 9 को डिवाइड करना है डेसिमल नंबर से, 9 को 4.5 से डिवाइड करना है तो 4.5 यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे 9, अब पॉइंट यहाँ से हटा दोगे, पॉइंट आप यहाँ से हटाओगे तो यहाँ 10 बढ़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट यहाँ पर है, तो 45 से 90 करो, 45 2 जा 90 हो गया, तो 2 टाइम्स गया तो आंसर इज 2। नाउ 1.21 इज डिवाइडेड बाई 0.11, तो 0.11 से 11 से डिवाइड करोगे 1.2 से 21 को, पॉइंट आप दोनों हटा देंगे यहाँ से, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद, तो सीधा सीधा हटा दो, तो 11 से डिवाइड कर रहे हो आप 1 to 1 को, तो 11 बन जा 11, 1 यहाँ पर आ जाएगा, एक और 1 डाउन करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, और एक 1 2 में से 1 गया 1 आ गया, और 1 यहाँ पर आ जाएगा 11, तो 11 बन जा 11, योर फाइनल आंसर इज 11, तो यहाँ पर 11 पुट कर देंगे। नेक्स्ट इज मैंने इसमें एक थियोरेटिकल जो बर्ड प्रॉब्लम है वो मैंने एक छोड़ी है, दो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। रोहन बर्ग्ड 33.7 आवर्स इन 15 डेज, हाउ मेनी आवर्स डिड ही वर्क इन अ डे, तो उन्होंने ये दे दिया है कि 33.75 आवर्स 15 डेज में वर्क करता है, और पूछना ये है कि एक आवर में वह एक दिन में वो कितना वर्क करेगा, तो आप क्या कहें, व्हाट इज गिवन इज इन 15 डेज रोहन बग्ड फॉर 33.75 आवर्स, है ना, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि 15 डेज में रोहन 33.75 आवर्स वर्क करता है, बट आपको कैलकुलेट करना है कि वन डे में कितना, तो इन वन डे जो यूनिटरी मेथड होता है उसी तरीके से करेंगे, इन वन डे रोहन बग्ड फॉर, तो अब यहाँ पर क्या होगा 33.75 विल बी डिवाइडेड बाई 15, तो आप इसको रख लीजिए यहाँ पर 15, और मैंने कहा था कि आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, चाहे से पॉइंट हटा के कर सकते हो, तो मैंने किया पॉइंट बिना हटाए, 15 2 जा 30, इसके नीचे आ गया 3 आ गया, पॉइंट को आप ऊपर लगा दीजिए और डाउन कर लीजिए 7, 37 हो गया, 15 2 जा 37, फिर 30 और 30 इसमें से माइनस किया तो 7 आ गया, और डाउन करेंगे 5 तो यहाँ 75 हो गया, 15 5 जा 75, तो ये पूरा चला गया 2.25, तो 2.25 आवर्स इज योर आंसर, यहाँ पर आवर्स जरूर लगाइए, आवर्स है ना 2.25 आवर, ठीक है, आवर जरूर इसमें पुट कर देंगे क्योंकि इसमें यूनिट लिखना जरूरी होता है। नेक्स्ट है अ बस कैन कवर 91.8 किलोमीटर इन 15.3 लीटर ऑफ डीजल, ठीक है, तो 91.8 किलोमीटर चलती है ये इन 15.3 लीटर ऑफ डीजल,
ना हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ डीजल. तो 1 लीटर ऑफ डीजल में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी. तो 15.3 लीटर ऑफ डीजल में अ बस कैन ट्रेवल 91.8 किलोमीटर, बट इन 1 लीटर ऑफ डीजल आर बस कैन कवर 91.9 डिवाइडेड बाई 15.3. तो 15.3 से 91.9 को हटाएंगे तो यहाँ से पॉइंट दोनों तरफ से इसलिए हटा दो क्योंकि दोनों तरफ एक ही एक डिजिट है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, तो हटा दो यहाँ से, कोई अंतर नहीं पड़ेगा. फिर 153 हो जाएगा या 9918 हो जाएगा. जब आप इसे डिवाइड करोगे तो पूरा 6 टाइम्स चला जाता है एक ही बार में. तो योर आंसर इज 6 किलोमीटर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आपकी हो गई और इसके बाद हम कल शुरू करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स. तो थर्ड चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा. मैं कोशिश करूँगा कि 4 चैप्टर करा के फिर आपका रिवीजन शुरू करा दूँ, और रिवीजन में हम प्रैक्टिस बुक भी यूज़ करेंगे. लेकिन फिलहाल मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो चैप्टर 3 का भेजूँगा. तो आप यहाँ तक करिए, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली करके उसका होमवर्क भेजिए. ठीक है, बहुत ही कम बच्चे होमवर्क सेंड कर रहे हैं, सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो सभी इसमें पार्टिसिपेट करो अच्छी तरह से, सो दैट कि मुझे अच्छा फीडबैक मिले.